गर्मी में दोपहर में टंकी के पानी से नहाने के बाद पता चलता है कि कुकर में आलूओं को कैसा लगता होगा। आजकल के बच्चे वाटर पार्क जाते हैं और एक हमारा बचपन था, फर्श पे एक दो बाल्टी पानी डाल के उसमें मछली बन के फिसलते रहते थे। खबर पड़ी कि मुंबई में छात्रा को थप्पड़ मारने वाले शिक्षक पे 50,000 का जुर्माना। ये सुविधा अपने टाइम होती तो अपन बचपन में ही 1.5-2 करोड़ के मालिक बन गए होते। एक बैंक कर्मचारी की पत्नी ने गुलाबी साड़ी पहन के पति से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? इस पे पति बोला, बिल्कुल 2,000 के नोट जैसी। पत्नी बेचारी बेहोश हो गई। जब पता है देने वाला छप्पर फाड़ के देता है तो अंबुजा सीमेंट से छत काहे बनाए बैठे हो, कहाँ से देगा ऊपर वाला। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार सवाल, वो कौन है जो हमारी माँ नहीं है मगर आप उसे 2 बार माँ बोलते हो? इसका जवाब कमेंट करके बताएं। शर्मा जी की काम वाली बाई 20 दिन से नहीं आ रही थी। हर दिन बर्तन धोने से शर्मा जी बेहाल हो गए थे। आजू बाजू वाले को बोल के रखा था कि कोई बाई हो तो भेजना, हालत खराब है। फिर एक दिन दोपहर के बर्तन मांज के शर्मा जी सुस्ता ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। देखा पड़ोसन एक बाई के साथ खड़ी है। शर्मा जी ने आदर सहित दोनों को अंदर बुलाया। शर्मा जी डाइनिंग रूम में बैठ गए और पड़ोसन बाई को लेके शर्मा जी की पत्नी के साथ रसोई में चली गई। पड़ोसन के प्रति कृतज्ञता के बोझ से शर्मा जी की आंखें भर आई। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की तकलीफ समझते हो, मदद करते हो। खैर, थोड़ी देर बाद तीनों बाहर आए और पड़ोसन बाई को लेके अपने घर चली गई। शायद काम दिखाने आई होगी, शायद मिलवाने लाई होगी, पैसे वैसे का फाइनल करने आई होगी। इसी सोच में शर्मा जी ने अपनी पत्नी से पूछा, ये कब से आएंगी, कितने पैसे मांग रही है? पत्नी बोली, कौन कब से आ रही है और काहे के पैसे मांगेंगी? शर्मा जी, अरे भाई, बाई कब से आएंगी काम पे और कितने पैसे में फाइनल किया है? पत्नी जी बोली, ओ हेलो, कोई बाई वाई नहीं आ रही है। उसे तो पड़ोसन ये दिखाने लाई थी कि बर्तन ऐसे ही साफ मांजने हैं। ये सुन शर्मा जी बेहोश हो गए। एक औरत की आंखों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने आंखों के साथ साथ हाथ पे भी पट्टी बांध दी। ये देख उसका पति डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन तो आंखों का है, फिर हाथों पे पट्टी क्यों? डॉक्टर बोला, ताकि पेशेंट मोबाइल ना चला सके, इसलिए। पति बेहोश। एक गांव में शेर घुस गया। पता है फिर क्या हुआ? जो काम सरकार सालों से नहीं कर सकी, वो काम शेर ने मात्र 3 दिनों में ही कर दिया। गांव वालों की खुले में जाने की आदत बदल गई। स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।